धोरण दस विषय विज्ञान चेप्टर नंबर है 12 विद्युत बराबर एम आप जुड़ू तू विद्युत प्रवाह आई विषय जेमें विद्युत प्रवाह एट्ले कोईपण आड़छेद में पसार थत तो एकम समय में विद्युत भार जत्थो है आप विद्युत प्रवाह आई कहता था क्यू छेद में टी है एम्पियर एकम है एसा एकम विद्युत भार एसा एकम कूलम है बराबर आ बधु आप जुड़ू कूलम प्रति सेकंड एकम हवे जो ये उदाहरण पहलू कोई विद्युत बल ना फिलामेंट एटले के तार माथी 0.5 एम्पियर विद्युत प्रवाह 10 मिनिट सुधी वहे छे तो परिपथ में वहन पामतो तो विद्युत भार गणवानो छे सौथी पहला आपेलू शू छे ई जोवानुं तो भाई तार माथी जे विद्युत प्रवाह केटलो तो के 0.5 एम्पियर एटले आई बराबर 0.5 एम्पियर समय केटलो आप्यो छे 10 मिनिट आपेली छे पण आपणी आगळ सूत्र शू छे क्यू ना छेद में टी छे एटले के सेकंड में आवुं जोईए तो 10 मिनिट ने सेकंड में फेरवो एटले गुणाकार में 60 आवशे तो 10 गुणिया 60 करते 600 सेकंड थे बराबर हवे शू थे आई बराबर क्यू टी कई रीते आवेलू छे तो के आई सॉरी क्यू बराबर आई टी क्यू ना छेद में टी आवी रीते हतुं सूत्र बराबर आमां आपणे वस्तु कई कई आपेली छे आई आपेली छे अने टी आपेलू छे आई अने टी बंने आपेलू छे शोधवानुं शू छे तो के विद्युत भार शोधवानुं छे आने सूत्रनो करता बनावी एटले क्यू अहीं आवशे ओके एनी जोड़े टी छे ई केमां छे भागाकार में बराबर नी पेली साइड जाए तो केमां आवे गुणाकार में एटले क्यू बराबर आई टी थाय हवे रकम में मूके आई ना बदले 0.5 छे अने टी ना बदले 600 छे 0.5 गुणाकार में 600 करो एटले 300 कूलम जे विद्युत भारनो एकम छे बराबर हवे जोईए विद्युत स्थितिमान अने विद्युत स्थितिमानो तफावत एवं शू है जो विद्युत भार ने वहन करावे हमें वहन थाय विद्युत भार बराबर एने आप विद्युत प्रवाह कही तो विद्युत भारों जत्थो है पर शू एवं है कि जो विद्युत भार ने आग वहन करावे आ समझवा पानी ने प्रवाह साथ साम्यता विचारी आदर्श समशीरी नड़ी में पानी वहत वहन पमत नहीं तम तांबा तार में विद्युत भारों जाते गति करता नहीं जो नड़ी एक छेड़ा ने ऊंची सपाटी पर राखेल पानी टाकी साथ जोड़वामां आवे तो नळीना बे छेड़ा वच्चे दबाण तफावत रचाय छे जेथी नळीमां मुक्त छेड़ामांथी पाणी बहार आवे छे हवे नळी छे ए आपणे सीधी राखी दईए तो क्यारेय पाणी एमांथी वहेवानुं नथी बीजी साइडथी पाणी आववाने पण जो एनी अंदर दबाण उत्पन्न करवामां एक नळी ऊंची राखवामां आवे अने पछी एमांथी शुं थाय पाणी निकळे छे शा माटे पाणी बहार निकळे तो के एमां दबाण उत्पन्न थाय अंदर कंईक तफावत उत्पन्न थाय एना लीधे पाणी बहार आवे छे तो धातुना जे वाहक तार छे जेमांथी विद्युत प्रवाह पसार थाय छे विद्युत भार पसार थाय छे तो आ विद्युत भारनो प्रवाह छे ए पण कंईक गुरुत्वाकर्षण बळ छे एने भूमिका होती नथी इलेक्ट्रॉन त्यारे ज गति करे छे ज्यारे वाहकमां विद्युत दबाणनो तफावत के जे विद्युत स्थितिमानो तफावत कहेवामां आवे छे ई उत्पन्न थाय छे विद्युत स्थितिमानो आवो तफावत एक के एक करता वधु विद्युत कोषोनी बनेली बेटरीथी मेळवी शकाय छे कोषनी अंदर थती रासायणिक प्रक्रिया कोषना बे छेड़ा वच्चे विद्युत स्थितिमानो तफावत उत्पन्न करे छे आवुं त्यारे पण थाय छे ज्यारे कोषमांथी कोई विद्युत प्रवाह लेवामां न आवतो होय त्यारे ज्यारे विद्युत कोषने वाहक परिपथमां घटक साथे जोड़वामां आवे त्यारे विद्युत स्थितिमानो तफावत वाहकना विद्युत भारोने गति करवा माटे आवे छे विद्युत प्रवाह उत्पन्न थाय छे कोई विद्युत परिपथमां विद्युत प्रवाह जाळवी राखवा माटे कोषने तेनी अंदर संग्रह पामेली रासायणिक ऊर्जा वापरवी पड़े छे हवे खास याद रखो विद्युत स्थितिमानो तफावत कोई विद्युत प्रवाह आधारित विद्युत परिपथ एना बे बिंदु छे एनी वच्चे कंईक विद्युत स्थितिमानो तफावत उत्पन्न थाय छे जे एकम धन विद्युत भार ने एक बिंदुएथी बीजा बिंदुए लई जाय छे नळीनुं एक्जाम्पल याद रखो कि नळीमां पाणी भरेलू छे पण नीचे पड़ी हो एम नम तो एमां तफावत उत्पन्न थतो नथी तो पाणी वहेतुं नथी एक छेड़ो नळीनो ऊंचो राखो तो एक बाजूथी पाणी क्यां जाय बीजी बाजुए वयुं जाय छे तो आमां पण कंईक एवुं ज छे एकम विद्युत प्रवाह विद्युत जो परिपथ छे बराबर एना कोई बे बिंदुओ छे विद्युत स्थितिमानो तफावत छे एकम धन विद्युत भार ने एक बिंदुएथी बीजा बिंदु सुधी लई जवा माटे जे कार्य करे छे तेने विद्युत स्थितिमानो तफावत वी कहेवामां आवे छे हवे एनुं सूत्र छे बे बिंदુઓ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V એટલે કરેલું કાર્યના છેદમાં વિદ્યુત ભાર એટલે V બરાબર W ના છેદમાં Q
વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતને વી વડે દર્શાવવામાં આવે છે, કાર્ય ડબલ્યુ અને વિદ્યુત ભાર ક્યુ. એનો એસઆઈ એકમ છે વોલ્ટ. ખાસ યાદ રાખજો, આગળ પાવરનો આવશે વોટ, બરાબર? તો આનો છે વોલ્ટ, જેને વી વડે દર્શાવવામાં આવે છે. એલેક્ઝાન્ડ્રો વોલ્ટાના નામની યાદ પરથી આનો એકમ વોલ્ટ રાખવામાં આવેલો છે. હવે એક વોલ્ટ એટલે શું થશે? તો કે એક કુલમ જેટલા વિદ્યુત ભારને એક બિંદુએથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે જે એક જૂલ જેટલું કાર્ય કરવું પડતું હોય, તો એક વોલ્ટ જેટલો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એને કહેવામાં આવે છે. એક વોલ્ટ બરાબર એક જૂલના છેદમાં આવશે એક કુલમ. એટલે કે હવે આ જે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે ને, વોલ્ટ મીટર નામના સાધન વડે માપવામાં આવે છે. વોલ્ટ મીટરને હંમેશા બે બિંદુ વચ્ચે જે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત માપવા માટે હોય છે ને, ત્યારે એને સમાંતર જોડવામાં આવે છે.